ऐसे इनको हम छोड़ने वाला नहीं है मुन्ना भाई को, ये फिर आएंगे। इसके पहले मैं एक और मुन्ना को बुलाना चाहूंगा, इजाजत है क्या? मैं मुकुंद पुरोहित से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और मोहम्मद रफी साहब को गीतांजलि अर्पित करें, भाई मुकुंद पुरोहित। कि मेरे पिताजी चित्रकार थे, आर्टिस्ट थे, लेकिन वे रफ़ी साहब के बहुत ज़बरदस्त फैन थे। मैं कभी जब मुकेश साहब का गाना गाता था तो मुझे कहते, बेटा रफ़ी साहब को गा, गाना सीख जाएगा। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तुम मुझे बुला न पाओगे। हाँ, तुम मुझे बुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे जरूर
कैसे भुला पाएंगे रवि साहब को, ऐसी शख्सियत को नहीं भुला पाएंगे। आपने सच्ची कहा मुकुंद जी, फिल्म एक्टर ओम पुरी साहब ने क्या कहा रवि साहब के लिए। रवि साहब को शायद आपने अपने बड़पन का एहसास नहीं था, रवि साहब को शायद उनके खुद को अपने बड़पन का एहसास नहीं था। उनकी नेक दिली उनके गानों में साफ झलकती है, ऐसा ओमपुरी साहब ने कहा है। हमारे बीच रफी साहब के ग्रेट लवर्स और हमारे बड़े भाई श्री गोपाल जी व्यास आए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने सभी साथियों से कहता हूं कर तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, श्री गोपाल जी व्यास। एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा हो गा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रोनेंगे अब, रोने कहोगे रोनेंगे अब, आंसू का हमारे करो ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा हो गा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो, होने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में